ये दान पूर्वक क्रिया की जाती है वो सिंचाई के खेत में बीज बोने के समान है, और जो बिना दान की क्रिया की जाती है वो बजरी के खेत में बोने के समान है। राम भरोसे आ गया तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं। अथवा ये मान लो सूखे खेत में गेहूं बोना जहां सिंचाई के साधन नहीं है, और जहां सिंचाई के साधन है, दोनों में कितना अंतर है बोलो? बहुत। बस दान पूर्वक क्रिया करना सिंचाई के खेत में बोए हुए बीज की फसल काटना है, और बिना दान पूर्वक क्रिया करना बिना सिंचाई के खेत में बोने के समान है। ये सबसे सरल उदाहरण है कंजूसों को समझने के लिए। दान पूर्वक क्रिया पूरे शास्त्रों में मैंने देखा, सब जगह दान पूर्वक क्रिया की। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, दान पूर्वक किया। राजा महाराजा लोग अभिषेक करते थे दान पूर्वक। शहर सरी के पट्टन दीने जब भगवान का अभिषेक होता है तो दान पूर्वक ही क्रिया होना चाहिए। इसलिए पूज्यवर कुंदकुन स्वामी ने भी दानम पूया मुखो सावो धम्मो, श्रावक के प्रतिदिन करने योग्य जो क्रिया है वे दान पूजा एक साथ चलना चाहिए, अलग अलग नहीं। पूजा की है तो दान, दान किया है तो पूजा, दोनों दान पूजा मुखो सावो धम्मो। श्रावक के दो धर्म है दान और पूजा। इसलिए आपके पास समर्थ है तो कृपया करके सिंचाई के खेत में गेहूं बो, कुआ भी है बोरिंग भी है सब है, तो फिर क्यों सूखे में बो रहे?